ਕਰਮਵੀਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਲਮਵੀਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ETV ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਲਮਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਟੋੜਨੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਮਿਤਾਬ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਿਤਾਬ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਕੈਚਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਲਾ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤਾਬ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वैसे तो दुकान से ही घर चलता है, पर ये कि पेड वर्क कभी कभी मिल जाते हैं, ऑनलाइन इंस्टा पे फेसबुक के थ्रू मिल जाते हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत मतलब सहायता मिलती है। अब पापा को भी ऐसे लगता है कि इसने टाइम वेस्ट नहीं किया, कि अगर स्केच किए तो स्केच से पैसे कमाते थोड़े। अमिताभ का सपना है कि वो अपने हुनर नु देश दुनिया दे कोने कोने तक पहुंचाए, नाल ही उस स्केचिंग दी कला नु दूजे बच्चियां नु भी फ्री विच सिखाना चाहुंदा है। ਉਸਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਕੈਚ ਭੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸਕੈਚਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। मैं 12th पास आउट के बाद ये स्केचिंग कर रही हूँ, और मैं पेंटिंग भी कर लेती हूँ और स्केचिंग भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत क्विलिंग आर्ट भी कर लेती हूँ। निशा दे परिवार नू लगा कि उन्हां दी कुड़ी एक वधिया आर्टिस्ट है, लिहाजा परिवार तो उसनू खूब मदद मिली। निशा नू पढ़ाई तो जद भी समा मिलता है तो वह स्केच बनाना शुरू कर दिंदी है। उसने कई मंत्रियों अदाकारां अते खिडारियों दे स्केच हुण तक बनाए ने। अमिताभ भाई है जो मतलब जिनसे मैंने बहुत सब कुछ सीखा है, ज़्यादातर स्केचिंग मैंने उन्हीं से सीखी है। निशा की खासियत ये भी है कि वह स्केचिंग बनाने में ज़्यादातर रद्दी पेपर का इस्तेमाल करती है। स्केचिंग बनाने में पेपर का घट तो घट इस्तेमाल हो, जिस नाल साडा वातावरण साफ रहे। इसका ये है कि लॉकडाउन में मेरे पास शीट अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि रिसाइकल यूज़ कर लूँ थोड़ा बहुत। वो वेस्टेज वाली बुक थी, तो मैंने इसीलिए उसमें थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी की। निशा और अमिताभ दोवें ही अपने हुनर नू देश दुनिया के सामने लियाना चाहते ने, ता जो उन्हां दे घटोड़नी पिंड का नाम रोशन हो सके। नाल ही निशा का यह सुपना है कि वह अपने नाँ का एक घर बनाए। लड़कियों से बोला जाता है कि ये तुम्हारा ससुराल है, ये तुम्हारा मायका है, पर अपना घर उसके पास नहीं होता, तो मुझे अपना एक फ्लैट, अपना एक घर चाहिए बस, जिसपे मेरे नाम की मतलब प्लेट हो। मैं इसमें मुझे मतलब ड्राइंग टीचर बनना है और बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है ड्राइंग से रिलेटेड, जो कि मेरे को बचपन में इतनी नहीं मिल पाई। दोवां दे हत्थां विच अजिहा हुनर है जो पेंसिल नाल अजिही स्केचिंग करदे ने कि दुनिया वेख के हैरान रह जाए। छोटी जिही मुर्गी दे अंडे विच किसे दी फोटो बना देना एक काबिले तारीफ गल है। उत्थे ही ओ वेस्ट पेपर ते अजिही स्केचिंग करदे ने कि दुनिया वेखती रह जाए। अमिताभ अते निशा वर्गे कई हुनरमंद लोग अपनी कला नू लोकां तक पहुंचाउण लई एक मौके दी तलाश विच बैठे हुए ने। ETV भारत इन्हां नू सलाम करदा है अते साडी कोशिश है कि अजिहे हुनरमंद लोकां नू सामने लाया जावे, जिस नाल इन्हां दा भविख रोशन हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.